हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की लोक देवियां तो राजस्थान की लोक देवियां और देवताओं से संबंधित एक या दो क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आते हैं और राजस्थान की पुलिस एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं तो प्लीज़ जो है दस मिनट तक इस वीडियो को जो है एंड तक देखेंगे तो आप जो है लगभग जो है पंद्रह बीस लोक देवियाँ याद कर लोगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सबसे पहले हम बात करेंगे करनी माता की तो इनका जन्म गांव जोधपुर में हुआ था और चारण परिवार में हुआ था तो ये भी आप ध्यान और और बचपन का नाम भी पूछा गया है है तो रिद्धिबाई इनका मुख्य मंदिर है वो हैर में अच्छा इनको जो है चूहों इस जो मंदिर है, है चूहों का मंदिर भी कहते हैं और चूहों को ध्यान रखना इनके चूहों को काबा कहा जाता है सफेद काबे के दर्शन को यहां पर जो है सुख माना जाता है और करनी माता को जो है दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है अच्छा करनी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है तो चील ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो यहाँ से जो है आपके डेफिनेटली हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं तो प्लीज़ जो है एंड तक जरूर देखें आगे बात करें नेहर जी का मंदिर ये भी देश नोक में ही है और यहाँ करनी माता स्वयं रहती थी ध्यान रखना करनी माता खुद तेमड़े राय माता की जो है पूजा करती थी तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और इनका मंदिर भी देश नोक में है नेहड़ी यानी जो है बिलोने की लकड़ी को कहा जाता है अच्छा आगे बात करेंगे जीण माता की तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो रेवासा सीकर में है इनके भाई जो है हर्ष का मंदिर भी पास में ही हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है और जीण माता के मंदिर का निर्माण है चौहान राजा पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत हटड़ मोहिल ने करवाया था अच्छा जीण माता है चौहानों की इष्ट देवी और जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है लोक देवियों में अगर लोक देवताओं में पूछ ले तो वो रामदेव जी का है अच्छा जीण माता को जो है मधुमुखियों की देवी भी कहा जाता है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे औरंगजैब ने जो है माता का छत्र बनवा जो है भेजा औरंगजेब इस मंदिर के जो है का जो भी भी भेजा करता था और जादौन तो राजवंश की, तो जो है ये करोली की, की ये कुल देवी भी थी इन्हें जो है हनुमान जी की माता या अंजनी या कृष्ण की जो है बहन माना जाता है इनके भक्तों को जो है लांगूरिया कहा जाता है यहां पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका जो है लक्खी मेला बरता तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इनको जो है माता जी का जो है सौम्य रूप माना जाता है और ये शक्ति का रूप नहीं है इसलिए इसे जो है केवल ध्यान रखना चैत्र नवरात्रा में ही यहाँ पर मेला लगता है इनके मंदिर के सामने ध्यान रखना बोहरा भक्त की भी क्षत्रिय है जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है आगे बात करेंगे शंकराय माता की तो इनका मुख्य मंदिर है वो उदयपुर वाटी में इनका अन्य नाम है वो शाकंबरी माता है ये चौहानों की इष्ट देवी है यहाँ ध्यान रखना खंडेल वालों की कुल भी है और अन्य मंदिरों की इनकी बात करें तो एक सांबर जयपुर में एक सहारनपुर यूपी में है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे आगे बात करें आशापुरा माता की इनका मुख्य मंदिर है वो नाडोल पाली में है और एक मोद्रा जालोर में भी है ये चौहानों की कुल देवी है और जो विश्वा ब्राह्मणों की कुल देवी भी है इनकी जो है पूजा करने वाली महिलाएं ध्यान रखना पूजा करते समय हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है तथा पूजा करते समय घूंघट जो है निकालती है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे आगे बात करें तनोट माता की तो इनका जो है आप डेफिनेटली जानते होंगे क्योंकि तनोट को जो है थार की वैष्णो देवी कहा जाता है इनका मंदिर है जैसलमेर में और बी के जवान इनकी पूजा करते हैं अच्छा इनको थार की वैष्णो देवी या रूमाल की देवी भी कहा जाता है ध्यान रखना आगे बात करें आई माता की तो आई माता है इनका मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में और सिरवी समाज की कुलदेवी है इनके मुख्य मंदिर को जो है बडेर या जो है अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है इनके मुख्य मंदिर को जो है दीपक की ज्योति से, से जो है कैसा टपकती है यहाँ के दीपक की ज्योति से जो है दीवारें काली नहीं होती है और जो आई माता है रामदेव जी की शिष्या थी अतः इन्होंने जो है छुआछूत दूर करने और हिंदू मुस्लिम जो है एकता स्थापित करने के भी प्रयास किए थे आगे बात करें सचियाई माता की तो इनका मुख्य मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में है और ये ओस समाज जो कि बनिया है भी कहते हैं इनको जो है इनकी कुलदेवी है और इस मंदिर का निर्माण है वो गुर्जर पतिहार जो है काल में महामारु शैली में हुआ था ध्यान रखना भारत में जो है मंदिर की जो शैली है जैसे नागर जो कि उत्तर भारत में थी और दरवीड़ है वो दक्षिण भारत में थी और बीच में जो मध्य भारत में थी वो बैसर शैली थी तो ये आपको पता होगा अच्छा रानी सती की बात करें इनका मुख्य मंदिर झुंझुनू में इनका वास्तविक नाम था वो नारायणी देवी था अपने पति दास अग्रवाल के साथ ये सती हुई थी और इन्हें जोह दादी सती भी कहा जाता है बात करें नारायणी देवी की तो इनका मुख्य मंदिर अलवर में है और नई जाति से संबंधित थी और अपने जो है पति के साथ सती हुई थी नई जाति की कुल देवी भी है और मीणा जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं बात करें सुंधा माता की तो इनका जो है जालोर में भीनवाल के पास जसवंतपुरा की पहाड़ियों में चामुंडा माता का जो है मंदिर बना है जिन्हें हम जो है सुंदा माता के नाम से भी जानते हैं सुंदा पहाड़ी पर जो है बसे होने के कारण यहाँ पर जो है रोप वे स्थापित किया गया था ध्यान रखना राजस्थान का पहला अच्छा यहाँ पर जो है बालू अभ्यारण भी स्थापित किया गया है बात करें चामुंडा माता की तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इनका मुख्य मंदिर है और यहाँ पर तीस सितम्बर दो के दिन दुर्घटना हो गई थी जिसकी जाँच के लिए ध्यान रखना जसराज चोपड़ा आयोग जो है बनाया गया था आपको पता होगा भगदड़ मच जाने से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी बात करें शीतला माता की इनका मुख्य मंदिर है उच्चाक्षु जयपुर में है और इनका निर्माण माधो सिंह द्वारा करवाया गया और कुमार जाति के लोग जो है यहाँ पर पुजारी होते हैं जो है चेचक रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है अच्छा बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है और एकमात्र देवी है जिनकी जो है खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है ये भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा अच्छा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाए आप वीडियो देखकर जो है उसका लाभ उठा पाए और आपको जो है पीडीएफ नोट्स ई बुक्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वहीं आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है संपूर्ण तैंतीस जिलों का अध्ययन करना है तो आप हमारे जिला दर्शन की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं राजस्थान जिला दर्शन के नाम से संपूर्ण प्ले आपको मिल जाएगी आगे बात करें आवरी माता की इनका मुख्य मंदिर निकम्ब चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर जो है लकवाग्रस्त व्यक्ति का इलाज किया जाता है बात करें बडली माता की तो इनका मुख्य मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज होता है वहीं बात करें महामाया की तो इनका जो है मावली उदयपुरम मंदिर है और यहाँ पर भी छोटे बच्चों का इलाज ही होता है बात करें अंबिका माता की तो इनका मुख्य मंदिर जगत जो अंबिका मंदिर है उदयपुर में और इस मंदिर में जो है मेवाड़ का खजुराओं भी कहा जाता है इसे तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और खजुराओं के मंदिर वो एमपी में है जिन्हें जो है वंश के राजाओं ने बनाया था और किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है उन्हें राजस्थान का जो है खजुराओं कहा जाता है लेकिन मेवाड़ का खजुरा है वो इस जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है बात करें बधाना माता की तो इनका मुख्य मंदिर कोटा में है ध्यान रखना और यहाँ पर मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है मूठ का मतलब

और जो है कछुआओं की इष्ट देवी है छींक माता की बात करें तो मुख्य मंदिर जयपुर में है और माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला लगता है बात करें नकटी माता की तो इनका मुख्य मंदिर है वो जो है जय भवानीपुरा जयपुर में है और इनकी नाक टूटी हुई इसलिए है इसलिए यहाँ पर जो है इनका नाम नकटी माता पड़ गया था अच्छा केवाएँ माता की बात करें तो किनसरिया नागौर में इनका मंदिर है दधीमती माता का मंदिर है वो मुख्य मंदिर गोठ मांगलो नागौर में है और ये दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और जो है भंवाल माता है इनका मुख्य मंदिर भंवाल मेरता नागौर में है और इनको जो है डाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है और मरकंडी माता ये निमाज पाली में है और छेकम्बरी माता ये भीनवाल जालोर में है तो फ्रेंड्स ये राजस्थान की जो है मुख्य जो पच्चीस थी देवियाँ थी मैंने आपको कवर करवा दी है बाकी कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे भेज कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं मैं आपको विद इन टू मिनट जो है हर दो मिनट में आपको रिप्लाई देने का हर संभव प्रयास करता हूँ बाकी जो है टाइम नहीं मिलता है कभी तो नहीं दे पाता हूँ बाकी मैं हर आपके कमेंट का जो है रिप्लाई देता हूँ आपको जो है ज़िला दर्शन प्ले में जो है सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है वहाँ से आप जो है पूरा जिला दर्शन तैयार कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि बड़ा वीडियो है आपको बस बीस मिनट में पूरा ज़िला दर्शन पूरा फैक्ट के साथ पूरा मैटर के साथ मैंने वहाँ पर दिया है तो और टेलीग्राम पर जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को जो आपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ और अधिक स्टूडेंट जुड़ पाएँ और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जारी करते रहिए बस एग्ज़ाम आने वाला है और आपके जो है स्वस्थ और सुखी भविष्य की कामना के साथ जय हिंद जय भारत